मुझे काफी सही है। मुंबई अच्छा ज्योमेट्री का इसमें हमने कुछ कर लिया। चलिए ज्योमेट्री का इसमें ऑलमोस्ट ओवर है, उसमें मैंने सारे टाइप्स में करा दिए। ज्योमेट्री का इसमें होती है, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो होगी, रिंग होगी एक रिंग होगी तो होगी, तीन डबल बॉन्ड एक साथ होंगे, तीन डबल बॉन्ड एक साथ होंगे तो होगी, यानी एलियंस के अंदर होगी, दो डबल बॉन्ड एक साथ थे तो ऑप्टिकल इसमें होती, लेकिन एंड्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सही ना। इसके अलावा स्पाइरेंस के लिए, स्पाइरेंस तीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई है, तीन रिंग एक साथ जुड़ी है या दो रिंग एक साथ जुड़ी है, इस टाइप की कंपाउंड में भी ज्योमेट्री हो सकती है। इसके अलावा मैंने लिया था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाई फिनाइल्स या ट्राई फिनाइल, ध्यान आगे कि नहीं है, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इन टाइप के कंपाउंड में हो सकती है, दो फिनाइल एक साथ होंगे तो नहीं होगी, तो उसमें ऑप्टिकल होती है, क्योंकि दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं रह सकती है, दोनों रिंग, एक हॉरिजॉन्टल रिंग रहती है तो एक वर्टिकल रहती है, उसमें नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा लिया मैंने ये ले लिया था क्या, एक ही वाला केस, इस टाइप के कंपाउंड, इसमें क्या ज्योमेट्री लाइसेंस होगी, इसमें ज्योमेट्री लाइसेंस होगी कि नहीं, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड को ले लो या फिर इस कंपाउंड को, इसमें ज्योमेट्री लाइसेंस होगी कि नहीं, डेका लेन कहते हैं इसको, डेका लेन 22 साइक्लो कंपाउंड है, आईपीसी नेम को पता है, आईपीसी नेम को पता है ना, 22 साइक्लो 440, 440 क्या आएगा, डेकेन, 22 साइक्लो 440 डेकेन, इनके अंदर आइसोलेस होगी कि नहीं, ज्योमेट्री आइसोलेस नहीं बताया, सेकंड में बता, दोनों दोनों में है। इसमें देखो यहाँ पे दोनों एच, इन दोनों में होगी ज्योमेट्री, ये स्पेशल केसेस है, ध्यान था इसके अंदर, जैसे दोनों एच ऊपर, दोनों एच ऊपर, दूसरा केस एक एच ऊपर और एक एच नीचे, एक एच ऊपर, यह एच है यहाँ, ध्यान रखना, एक एच ऊपर एक एच नीचे, कोई भी एच ऊपर कर सकते हो, कोई भी एच नीचे, पलट दोगे मॉलिक्यूल को तो क्या हो जाएगा, सेम चीज मिल जाएगी, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पलट दूंगा, इसको अपसाइड डाउन कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर एच आ जाएगा और नीचे एच आ जाएगा, इसके इसमें ज्योमेट्री डिफरेंस क्या होगा, इसमें ज्योमेट्री डिफरेंस होगी, तो ऐसी दूसरे में बताओ होगी कि नहीं, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में देखो, बताओ सेकंड केस में, हेलो हर्षित तू क्या कर रहा है, तब से कौन कौन कर रहा है, हाँ बोल जल्दी बोल, नहीं नहीं तू ऑफलाइन बोला ना, मैं ऑफलाइन ना, जल्दी से आ जाओ।
हाँ बोलो। हाँ इस कंपाउंड में होगी कि नहीं ज्योमेट्रिक डाइसफॉर्म? होगी। कितने आइसोमर्स बनेंगे? कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? देखो इसमें ज्योमेट्रिक डिस्टेंस कैसे होगी, ध्यान देना। ये एक बना रहा हूं मैं, तीनों के तीनों ऊपर, 2H और 1ME, तीनों ऊपर। एक पहला केस क्या है, तीनों ऊपर। दूसरा केस, ME ऊपर, एक ऊपर और दो नीचे, ये दोनों H नीचे। अब एक ऊपर में क्या आस्था है, ME भी ऊपर आस्था है, और एक क्या आस्था है, एच भी ऊपर आस्था है। लेकिन वो एच क्या होता है, एमई के साइड वाला भी होता है और एमई के नीचे भी होता है। जैसे एमई के साइड वाला एच ऊपर, ये ऊपर, एमई नीचे और एच नीचे, समझ आ रहा है कि नहीं है। और लास्ट केस में, लास्ट केस में कौन सा एच नीचे, ऊपर, नीचे वाला एच ऊपर, बाकी दोनों नीचे। चेक करो, पर ये केस डिफरेंट है कि सेम है? कोई सेम तो नहीं आ रहा है इसमें, कोई सेम तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये तुम जानता है जो मैंने फॉर्मूले लिखवाया है तुम्हें, जो फॉर्मूले लिखवाया है ज्योमेट्रिक डाइसफॉर्म्स के, वो फॉर्मूले एक्चुअल में है नहीं। वो सिर्फ कहाँ पे वैलिड होंगे, अगर लीनियर चेंज आ रही है ना, ओपन चेंज, तो वो ही वैलिड हो जाएंगे साइक्लिक में। साइक्लिक में कभी वैलिड होंगे तो कभी नहीं होंगे। तो अगर कम सेंटर्स हैं, सीरोजेनिक सेंटर्स हैं, तो ट्राई करना अपने दिमाग से लगाना आंसर। ये नहीं अभी 2:3 देखा आंसर कर दिया, 2:8 आ गया, ऐसे नहीं करना। इसकी समझ गए कि नहीं है, फॉर्मूले जो है वो हर जगह वैलिड नहीं होंगे। लीनियर वाले पे तो वैलिड हो जाते हैं स्ट्रेट चेन में, लेकिन ओपन चेन, क्लोज चेन में, साइक्लिक में कभी वैलिड होंगे कभी नहीं होंगे। इसलिए अपना दिमाग लगा के फिर करना क्वेश्चन। अगर कम का सेंटर 2, 3, 4 तक लास्ट, क्या ये 4 समझ आ गए हैं? दोनों केसेस क्लियर हो गए कि नहीं है? इसी था। अब देखना लेट आया तो दोबारा देखना, कभी तो हर बार लेट आ रहा है, हर बार लेट आ रहा। नेक्स्ट केस देखो, ये मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, दोनों अच्छे वाले क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। एक के 2 आइसर बने और एक के 4, एक के 2, एक के 4। क्या किसी का सही हुआ था? हिमांग, यस सर, यस सही थे दोनों। सर, चल अब एक इसका सोचो जरा, मान लो ये एफ, ये एफ लगे हुए, अब बताओ कितने आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स इसके, तीनों एफ लगे हुए। जल्दी से देंगे आंसर, 3 एफ लगे हैं, कितने आइसोमर्स, करने का फिकलेट। तीन एफ है तो इसमें कितने आइसोमर्स, चलो एक ये ले लो ना, एक दो केस और ले लो ऐसे वाले, 4F। अभी तो मैं बहुत सिंपल केसेस ले रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि 2F हो जाए, 2Cl हो जाए, हो सकता है 1F हो जाए, 3Cl हो जाए, तब कितने आइसोमर्स बनेंगे ज्योमेट्रिकल, तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। एक चलो एक ले लेते हैं ऐसे ही, F F और एक ले लेते हैं Cl। एक केस और, एक केस और ले लेते हैं, कितने आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स, फास्ट देना आंसर थोड़ा सा।
समझ आ रहा है? ध्रुव तेरे को मैसेज करता हूँ तब तू आंसर करता, नहीं। अच्छा तू करता ना मैसेज, अब शरद का रेगुलर आ, चल तू टोटल एक्सेल को लिखा सकते हो, डन टू लिखते रहता ना, डन टू लिखते हैं टोटल 6 ऐसे, टोटल 5 यूज करके याद करता रहे जरूर काम सा। अब डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट बुलाओ तुम लोगों को, पता ना इस वेडनेसडे को, बहुत बेसिक टेस्ट है, ढंग से पढ़ के दे देना, जो लेक्चर से पढ़ के दे देगा ढंग से उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और उससे नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्ड, वो एक बड़ा टेस्ट होगा, तुम लोगों नहीं ये सॉल्व, और बस ये थोड़ा सा और हो जाएगा काम, तो फिर तुम्हारे दो दो टेस्ट चलेंगे, हफ्ते में दो टेस्ट चलेंगे। हाँ देना किसी को आंसर फर्स्ट का, पहले का दो मुझे इतने दिया, दो आंसर लिया सर बच्चों से, और फर्स्ट का 3 3 आंसर देते का, और कोई ठीक ना, दो देखो आंसर 3 F है, तीनों F, तुम सोच के देखो, बस एक एक ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है इधर है ना, तुम्हें ये सोचना है, अब 3 F है, 3 F है, तीनों F क्या हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, तीनों F तो ऊपर या तीनों F नीचे, एक ही बात अलग है, एक ही बात है, तीनों F ऊपर है, जैसे 1 2 3 इसको पलट दो, तीनों क्या होगा, नीचे होगा कि नहीं, अब तो पलटने से घुमाने से अगर सेम चीज आ जाती है तो उसको एक ही मानना, तीनों F ऊपर तब भी सिस है, तीनों F नीचे तो भी सिस है, समझ गए कि नहीं है। अब उसके बाद उसमें से एक तुम ऊपर कर दो, एक ऊपर कर दोगे अगर एफ को, एक एफ को ऊपर कर दिया और 2 F नीचे, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रही है क्या, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसी तरह थोड़ा सा उसको बताना, सही है, खुशहाल हमेशा लेट आता था, दो तीन आगे था बताएगा फिर, फॉर्मले द्वारा करके आया लिख के, हाँ बोलना किसी को, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम लोगों को, आगे बैठ, देख देख मैं इसको स्टार्ट की, इधर ही बैठते अंदर, अंदर मन से अंदर हो जाते, इधर से आ, अब इसको समझने की कोशिश करिए जो पढ़ा रहा हूँ, हाँ मनी क्लियर हो गया, देखो ये 3 F, हर्षित पूरा ध्यान दियो, मैंने बोला इस कंपाउंड के जियोमेट्रिकलाइजेशंस कितने होंगे, इसके मैंने पहला केस क्या लिया, तीनों के तीनों F ऊपर, तीनों के तीनों F अगर ऊपर है तो इसे फॉर्म होंगी, तीनों F ऊपर, दोबारा देखेंगे बार, ये है ट्राइंगल मानना है इसको, तीनों F ऊपर है, अगर तीनों F ऊपर है एक केस, तीनों F ऊपर या तीनों F नीचे, एक ही बात है कि नहीं, मॉलिक्यूल को पलटने से, पलटने से या इन्वर्ट करने से या घुमाने से, रोटेट करने से सेम चीज आ जाती है, तो उसको क्या मानना है, एक ही है, तो तीनों एफ ऊपर तो एक, अब मैंने क्या कहा, एक एफ ऊपर, ये एक एफ ऊपर है और तो दो एफ नीचे है, अब क्या तुम ऐसे सोचते हो कि 2 F ऊपर हो जाए एक एफ नीचे हो जाए, वो एक ही बात होगी कि नहीं, एक एफ ऊपर 2 F नीचे, एक एफ ऊपर 2 F नीचे, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, किसी भी है इसके अलावा वाला केस नहीं लेना, इसके अलावा वाला केस नहीं ले, कितने इसमें से हुए इसके, तो क्या समझ आ गया है, समझ आ गया कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस करेंगे दोबारा से, कितने भी केस हो तुम्हें उसके हमेशा आधे केस कंसीडर करना, अगर अगर क्या है कंपाउंड सिमेट्रिकल टाइप का, आधे केस देखने, अगर मान लो 6 सेंटर है ऐसे तो कितने लोगे, 3, 7 है तो 3 या 4 में काम मिल जाएगा, समझेंगे कि नहीं है, याद रहेगा कि नहीं है, सारे केस बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा क्वेश्चन, अब क्या इनमें फॉर्मूले वैलिड हो पा रहे हैं, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल है साइकिल कंपाउंड कि नहीं है,
सिमेट्रिक के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या फॉर्मूला था? 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस विधि क्या फॉर्मूला है? विधि गलत है, इसको टेस्ट की तरह करा करो जब भी क्लास में आते हो। तू बोल नवीन फॉर्मूला और के लिए बोल दे। हाँ उससे क्या आएगा आंसर इसका? ध्यान रखना साइक्लिक के केस में फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, कई बार होता हो भी जाए लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, इसलिए ट्राई करना जब कम कह रहे सेंटर को आंसर खुद निकाल के देखना। दो आंसर हो जाएगा कि नहीं इसके। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब 4F है, 4F, अब इसका आंसर देखते कौन देता है। या एक बार एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, ये वाला निकालो क्वेश्चन, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना ऊपर फर्स्ट और थर्ड, पहले ये निकालो इसके कितना स्कोर आएंगे। इसके आंसर 3 निकाल लिए। इसमें कैसे करेंगे, एक बार एक एफ ऊपर कर दो और एक बार एक सी एल, एक बार तीनों ऊपर, तीनों ऊपर तो ये बन गया 1 2 3, तीनों ऊपर हो गए, तीनों ऊपर या तीनों नीचे एक ही बात है। और एक बार किया मैंने एफ को ऊपर और एक बार किया सी एल को, एक बार सी एल को ऊपर एफ नीचे, ये वाला एफ भी नीचे, और कोई केस तो नहीं बनेगा ना, तो कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या किया, एक बार दोनों एफ और एक सी एल ऊपर, सही ना, दोनों एफ और एक सी एल ऊपर। दूसरे केस में क्या किया, एक बार एफ को ऊपर लिया और एक बार सी एल को ऊपर, बाकी दोनों केसेस तो आगे क्या होंगे, रिपीट होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं है? अब अगला केस 4F वाला, ये निकाला है ढंग से, किसने बोला 4 आंसर, अभी 4 आवाज आ गई, किसने दिया 4 आंसर? आदित्य का 4 आंसर है, और कोई? हाँ सेकंड का, सेकंड का आंसर। और अभी तुम्हें पता ना 3 आंसर आ गया नवीन का, ध्यान रखना अभी तुम्हें ये पता लग रहा ना 3 आ रहा है। अभी मैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करवा रहा, पता है ना, ओ सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैसे निकालोगे इसके अंदर, सीओएस या पीओएस चक्कर, सीओएस या पीओएस, जैसे अगर इसके अंदर ज्योमेट्रिकल निकालने हैं ऑप्टिकल निकालने हैं अगर, वो भी बता सकते हो। तुमने आंसर, कई बच्चों ने 3 आंसर दिया, कई ने 4 दिया आंसर, 4 किसका आंसर है और 3, 4 किसका आंसर है, एक क्रिश का आंसर 4 है, क्रिश का, मनन का, विधि का, गर्व का, ध्वनि का, आदित्य का, 6 बच्चों का आंसर 4 है, 3 किसका आंसर है, 3 नवीन का कितना है, 3 है, 1 2 3, 3 है इधर, 4 5, 5 का आंसर 3 है, 5 का आंसर 3 है। आप ध्यान देंगे इधर, चारों एफ ऊपर, पहला केस चारों एफ ऊपर, चारों एफ ऊपर या चारों एफ नीचे क्या होगा, एक ही बात होगी कि नहीं, चारों एफ ऊपर या चारों एफ नीचे। अगला केस क्या लेंगे, हाँ 3 ले रहा है तो 3 ऊपर ले लो, 3 ऊपर 1 नीचे, डैश वाला हमेशा क्या मानते हैं, नीचे की तरफ, डैश वाला नीचे की तरफ। अब उसके बाद क्या लेंगे, 2F एडजेसेंट वाले मैंने ऊपर ले लिए, ये दोनों ऊपर ले लिए, ये दोनों नीचे, और एक बार क्या लिया, 2 अल्टरनेट वाले, ठीक ये तो अलग होंगे ना केस, नहीं समझ आ रहा, तो इसमें आ जाएगा ये 4 आइसमर, चलो समझ आया हर चीज, तो ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसमर बनेंगे इसका कंपाउंड के, इसमें कितना आइसमर बनेंगे, 4। अभी मैं बहुत सिंपल वाले केस दे रहा हूँ, मैं उसका 2F ले लूँ 2Cl ले लूँ, उस केस में भी आंसर निकालना आना चाहिए तुम्हें। अभी छोड़ दो उसको, अभी एक बार ये सिंपल सीख लो, वो मैं ऑप्टिकल में ले लूंगा, वो मैं ऑप्टिकल में ले लूंगा, 4 ज्योमेट्रिकल आइसमर जिसने निकाला है उसका करेक्ट आंसर, सही ना, उसका करेक्ट है। अब इसमें से ना क्या तुम में से कोई भी बता सकता है कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? ऑप्टिकल के 2 पेज मैंने, तो 2 लेक्चर बोले बना करने के लिए, सोच सकते हो ना इसके बेसिस पे, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल शो करेगा इस साल। मैं 11th साल बच्चों को दोबारा बोल रहा हूँ, तुम कर जाओ इस साल, और इन्हें 50% 60% जितनी समझ आती है कर जाओ, लेकिन छोड़ना मत इस साल। हाँ ऑप्टिकल कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, चलो मैक्सिम ने कहा कोई नहीं, 11th साल बच्चे कोई भी नहीं करेगा, तू वंशु एक्सप्लेन कर देगा। क्या कह रहे हैं, देखो हिमांशु आंसर दे रहे ना, पूरा सोच करके पूरे कंसेप्ट के साथ, है?
एसपी थ्री कार्बन सारे ही है, सारे कार्बन एसपी थ्री है, सबके साथ अच्छा है, चार अलग अलग वैलेंसी है। देखिए देखो सर, इधर ध्यान देना, देखो इसको डायरेक्ट चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह से, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह से। हाँ एक लाइन तुमने सही बोली कि कायरल कार्बन जो है कई बार एफ नीचे या ऊपर होगा, आर या एस की फॉर्म पे होगा तो उसको कायरल मानते हैं, उसको कायरल मानते हैं। इसलिए हमेशा इन केसेस में सीओएस और पीओएस चेक करना है। क्या चेक करोगे? सीओएस और पीओएस। ये हिंट दे रहा हूँ, नहीं समझ आया छोड़ देना, क्योंकि ऑप्टिकल मेरे को कराना है अभी, लेकिन दो लेक्चर जो करके जिसने किया हुआ है ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसके अंदर देखो ये पीओएस नहीं है इसके अंदर, ये पीओएस है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ये इस साइड गए, तुम्हें दिख रहा है ना, ये ऐसे है अब तो, ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये है, इसमें चारों एफ ऊपर, एक दो तीन चार, इसको मैं बीच से कट कर दूंगा, इधर और इधर सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड सेम दिख रहा है बिल्कुल, बीच में मिरर रख दिया तो एक जैसा दिखेगा कि नहीं, इसलिए इसका पीओएस है। ये एक पीओएस इसकी, ये इसकी दूसरी पीओएस, दूसरी समझ आ गई क्या? ये दूसरी पीओएस है, ये तीसरी पीओएस, नहीं समझ आ रहा, यहां से भी कट करेंगे सेम चीज आएगी कि नहीं, और ये इसकी चौथी पीओएस, ये इसकी चौथी पीओएस है। क्या ये समझ आया? समझ आ गई, चार पीओएस समझ आ गई इसकी, 11th में बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं है? तो इसलिए जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, पीओएस आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब वो क्या होगा? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोसेलेस शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोसेलेस शो नहीं करेगा। दो लेक्चर रिपीट कर लो ताकि और ढंग से समझ आए, आगे ऑप्टिकल आइसोसेलेस स्टार्ट होना है, बट देखो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्टिकल आइसोसेलेस, तो और तुम्हें मजा आएगा उसके अंदर, वही मेन चीज है, ध्यान रखना ऑप्टिकल आइसोसेलेस। नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट वाला केस देखो, इससे नेक्स्ट वाला केस, इसमें पीओएस है कि नहीं, इसमें पीओएस है कि नहीं, ये ऐसे है, ये तीन एफ ऊपर, एक दो तीन, तीन एफ ऊपर है और एक एफ क्या है नीचे, एक एफ नीचे है ना, तो ऐसे वाली प्लेनो सिमेट्री तो नहीं होगी, ऐसे वाली भी प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी, ऐसे भी नहीं होगी और ऐसे भी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं डायगोनली कट करूँ तो क्या होगा? तो इधर और इधर सेम आ जाएगा कि नहीं, तो इसलिए ये प्लेनो सिमेट्री दिख रही होगी तुम्हें। क्या समझ आ गया? ये प्लेनो सिमेट्री दिख रही है कि नहीं इसमें? क्या इसके अलावा कोई और है? क्या इसके अलावा कोई और प्लेनो सिमेट्री है इसमें? यही है, ये प्लेनो सिमेट्री समझ आ गया कि नहीं? दूसरा, अब ये केस समझ आ गया, इट इज ऑल्सो हैविंग वन पीओएस, सो इट इज, एक भी पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वाला केस, एक्टिव इनएक्टिव, ऐसे कट कर दिया, इसको कट कर दिया यहां से, तो इधर भी एफ ऊपर, इधर भी एफ ऊपर, इधर भी एफ नीचे, इधर भी एफ, ये आ गया समझ के? नहीं, क्या ये वाली बनेगी इसमें? नहीं बनेगी ना, ये क्लियर है कि नहीं? तो वो पीओएस समझ आ गई कि नहीं? वो पीओएस समझ आ गई कि नहीं? क्या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? 11 साल बच्चे, क्या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर? क्या डायगोनल वाला कैसे आएगा? एक पीओएस समझ आ गया ना, क्या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर? नहीं, 11 साल का आंसर है नहीं। 12 साल बच्चों में से क्या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसमें? एक गर्व का आंसर आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखो ना इधर, ये एफ ऊपर है, ये एफ नीचे है, ये एफ ऊपर और इधर क्या है नीचे, एक यहाँ पे एफ ऊपर है इधर, और यहाँ पे एफ क्या है नीचे, ये है ना नीचे, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाएगी ऊपर और नीचे मिल जाएगी कि नहीं? ये एफ ऊपर है ना, देखो इधर, ये एफ, ये सेंटर से लाइन जो आएगी, ये सेंटर से जो लाइन जाएगी, ये इसको मिलेगी कि नहीं नीचे? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सेंट्रल पॉइंट जिससे मैं इक्वल डिस्टेंस एक्सटेंड करूं टुवर्ड्स अपोजिट साइड और सेम एटम मीट हो तो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं है? ऐसे दूसरा वाला भी दिख रहा है कि नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री हर जगह सेम चीज आनी चाहिए, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री मानते हैं। ये नहीं तुमने एक साइड चेक कर लिया और एक साइड नहीं है तो वो नहीं होगा, जैसे इसमें सेंटर आ रहा है, ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया, ऊपर नीचे आ गया ना, लेकिन इस साइड आ रहा है क्या? इस साइड तो नहीं आया ना, दोनों ऊपर है,
सेंट्रल सिमेट्री इसमें तो नहीं आएगा, इसीलिए सेंट्रल सिमेट्री प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे गए और नीचे आए, आ गया कि नहीं है? तो उसके पास सीओएस भी है और पीओएस भी है, देखो एक भी होगा तो भी क्या होता है ऑक्सीजन रखते हैं, इसमें तो दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, समझ आ रहा है? सेंट्रल सिमेट्री भी यही चेक करना होता है, ये चेक करना आ गया ना ऑक्सीजन से दिक्कत नहीं आएगी, समझ आ गया कि नहीं है? तो इट इज हैविंग पीओएस। हाँ वो अभी छोड़ दे, उसको भी छोड़ दे, उसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये दो चीजें सीखनी जरूरी है, एक्सेलेरोमीटर भी होता है, एक ऐसी लाइन जिसके अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, तो मॉलिक्यूल दो बार रिपीट हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है, चार बार रिपीट होता है, इमेजिनरी लाइन होती है कैसे, उसको बोलते हैं एक्सेस। दो बार रिपीट हुआ तो C2 एक्सेस, तीन बार रिपीट हुआ तो C3 एक्सेस, है ना? इस टाइप, वो छोड़ दो अभी। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड, नेक्स्ट वाला कंपाउंड एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव इसका प्लेनर सिमेट्री है कि नहीं? कौन सी वाली, कौन सी सिमेट्री है? देखो एक तो ये दिख रहा है तुम्हें डायगोनली, ये वाली नहीं है, ये एक ये वाली दिख रही है, इसके अलावा और कोई दिख रही है क्या? सेंट्रल सिमेट्री तो नहीं ना इसके पास? सेंट्रल सिमेट्री सोच पा रहे हो क्या चीज है? क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं है? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, ये चार इसमें क्लियर हो गए कि नहीं? अब एक रह गया, ये वाला एक ही रह गया ना, एक इसमें बताएंगे कितने इसमें मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। विधि का आंसर आया शायद 8 बोला, विधि 6 आ गया, मुद्रित का 8, 8 आया विधि का, गर्भ का और मनन का भी, कितना है मनन? 8, 6 है इसका, मुद्रित का कितना है? 8। मैं अभी 11 साल बच्चे सोच नहीं पा रहे, 8 ही आंसर, 8 आंसर है, सोच के देखो उसको, 8 सोचो लोगे ऐसे कि नहीं? 8 आएगा, 11th में किसी बच्चे ने निकाला 8 आंसर, 8, हाँ 8 आ गया ना, इसमें से क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है? चेक करना कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है कि नहीं, इसमें चेक कर लेना कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे ट्राई कि नहीं है? इसका 8 आंसर है, मैंने आंसर दे दिया, 8 आंसर आएगा, 11 के किसी बच्चे ने नहीं निकाला आंसर, वो वही चेक करना, 6 के 6 मिथाइल ग्रुप ऊपर, ये मिथाइल लगे ना सब जगह, यहाँ सब जगह क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 6 के 6 मिथाइल ऊपर, एक ही केस बनता है इसका, 5 मिथाइल ऊपर 1 मिथाइल नीचे, उसका भी एक ही केस बनेगा, फिर 2 मिथाइल ऊपर 4 मिथाइल ऊपर 2 नीचे, 4 मिथाइल ऊपर और 2 मिथाइल नीचे, अब इसके केसेस ज्यादा बनेंगे, इसके केसेस देखो कितने बनते, 4 मिथाइल ऊपर 2 मिथाइल नीचे, और लास्ट केस क्या होगा? 3 मिथाइल ऊपर 3 मिथाइल नीचे, उसमें भी केसेस ज्यादा बनते, और उसके बाद क्या सोचेंगे? 3 के बाद सोचेंगे कि नहीं, सिर्फ कितने केस देते हैं हम? आधे केस देते हैं, पहले 6 के 6 ऊपर 1 केस, 5 ऊपर 1 नीचे 1 केस, 4 और 2 में कितने केस बन रहे हैं? 4 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर कितने केस बने इसके? 4 ऊपर 2 नीचे, विधि कितने केस बने? 3 केस, कैसे? 4 ऊपर कौन से? चारों एक साथ, एक छोड़ देना फिर दो छोड़ देना, एक छोड़ देना फिर दो छोड़ देना, और 3 ऊपर 3 नीचे में भी कितने केस बनेंगे? 3 केस, तो टोटल केस कितने आ जाएंगे? 8, और इसमें निकालना कि किसके पास पीओएस है, किसके पास पीओएस नहीं है, किसके पास पीओएस है, किसके पास पीओएस नहीं है, और सीओएस भी आएगा इस केस, ऑल्टरनेट जब होंगे सारे तब सीओएस भी आएगा, ठीक है, तब सीओएस भी आएगा। ये कर लोगे कि नहीं? कुछ खुद करना क्वेश्चन, इसको इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, इंपॉर्टेंट केस है ये। अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट, एक थोड़ा चेक करने के लिए देखते हैं कौन सोच पाता है इसको। मान लो मैंने बेंजीन दिया, मान लो बेंजीन दे दिया, और मैंने पूछा इसके अंदर कितने पीओस हैं बेंजीन के, ये तो तुम्हें पता ही है कि पीओस इसमें भरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? इसमें कितने पीओस हैं, देखते कौन आंसर देता सही, कितने पीओस है? क्लियर
इलेवन वाला कोई देगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कितने पीओएस हैं? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा जरा कितने पीओएस है इसमें? एक तो गया अभी 11th बच्चा आंसर करे, कोई 11th का कोई बच्चा पीओएस निकालना आ गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो पीओएस है इसमें कि नहीं है? आदित्य कितने नहीं निकाल पा रहा है? तीन निकाले हैं, तीन ना। चल चल तीन तो सोच पा रहा है कम से कम। और कोई कितने पीओएस है इसके अंदर? प्लेन हॉस्पिटल नहीं निकाला किसी ने भी? आयुष का बैठा आयुष आया कि नहीं? कितने निकाले? छह छह। तू का नवीन सात 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 आए। मुझको मैं बोल दिया, मेरा बोल दिया। हाँ देखो सर, हाँ सात बिल्कुल सही है, नवीन का और मनन का सात आंसर बिल्कुल सही है। देखो सर ध्यान देना, ये एक ये तुमने निकाल लिया होगा, एक निकाल लिया कि नहीं? यहाँ से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है ना, उसको ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, दो तो दिख गए। अगर स्क्वायर होता तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, चार तो दिख ही रहे हैं, तो इसमें कितने दिख जाएंगे ऐसे? ये एक, ये दो, ये तीन। तीन तो समझ आ गए कि नहीं? तीन ये समझ आ गए? तो तीन ये वाले, एक दो तीन, क्या समझ आ गया? तीन, क्या ये तीन समझ आ गया कि नहीं? छह तो समझ आ गया, तीन एक के, तीन एक के, तीन एक के। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं? जो मॉलिक्यूल प्लेनर है उसमें तो पीओएस होगा ही होगा हमेशा। प्लेनर है ना, एक प्लेन पे, जैसे ये ना, तो इसमें ऐसे डायरेक्ट कर दू, आधा पार्ट ऊपर रहेगा बेंजीन का, आधा पार्ट नीचे। जो मॉलिक्यूल प्लेनर है, जिसके तरह स्पीड है, वो हमेशा उसके पास पीओएस होगा। जो मॉलिक्यूल प्लेनर से पीओएस, उसको भूला ही मत, प्लेनर मॉलिक्यूल मीन्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेवन दो ही बच्चों ने निकाला था, अभी समझ आ गया प्लेनर का केस की नहीं? जो प्लेनर है दैट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेनर है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। निकालना आ गया कि नहीं? सात प्लेन सिमेट्री है इसके पास, सही ना? सेवन प्लेन सिमेट्री बेंजीन के पास। अच्छा जैसे मैंने इसको अगर ऐसे कट किया, अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, ध्यान देना, मान लो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स है, क्या रिपीट होगा? वन के सामने क्या आएगा? टू के सामने क्या आएगा अगर ऐसे कट किया तो? बिल्कुल सही है, वन के सामने फोर मत बोल देना, वन के सामने क्या आएगा? फाइव। ये कोई बता सकता है इसी तरीके से? और टू के सामने फोर, मेरा रखा है बीच में, ऐसे सोच रहा है। अच्छा वो कह रहे प्रैक्टिकली बता रहा है, समझ आएगा नहीं है? क्योंकि तो देखो वन के सामने फोर तो तब आएगा ना जब ये स्ट्रेट होगा, ऐसे तब आएगा ना वन के सामने फोर। ये मिरर रख के सोच पा रहे हो कि नहीं? से वन के सामने क्या आएगा? फाइव आएगा। टू के सामने क्या आएगा? फोर आएगा। समझ आएगा कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस
डिस्टेंस चेक कर सकते हो तुम, डिस्टेंस चेक कर लेना उससे पता लग जाएगा सेंटर से डिस्टेंस, जहां से मिरर बनाया मैंने वहां पे सेंटर सेंटर का डिस्टेंस चेक कर, तो डिस्टेंस सेम आता है हमेशा। तो ये देखना इसमें प्लेन सिमेट्री क्लियर हो गया कि नहीं, और वन के सामने फाइव, टू के सामने फोर, फोर पा रहे हो ना। मतलब आज जो सीखा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, पीओएस बताया मैंने, ये भी आगे यही यूज होना सिर्फ। तो ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल आइसोमेरेज़ सीख गया उसको आइसोमेरेज़ में दिक्कत नहीं आनी, इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरेज़। अच्छा अब नेक्स्ट आप पूछना, चलो एक तुम अपना एक बार रिजॉइन करना है और एक बार तुम ये अपना निकाल लो आंसर। जैसे मान लो एफ एफ और एफ है, कितने आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल, एफ 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 है, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।